हम इस वक्त पटियाला के किला चौक से रवाना हो रहे हैं। हमारे साथ हैं फॉर्मर मेयर और कैप्टन साहब के काफ़ी क्लोज थे विष्णु शर्मा जी, वो इस बार कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और काफ़ी द्वंद्व वाला चुनाव है, क्योंकि एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह है पीएलसी से और उनके अगेंस्ट है विष्णु शर्मा जी। सर, इस चुनाव को कैसे देखते हैं आप? मे भी बड़ी द्वंद्व सा होगा कि पहले उनके साथ थे और अब आप चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव को? इस चुनाव में आज आपने देखा होगा बाजारों में मैंने डोर टू डोर किया और लोगों का इतना रिस्पांस मिल रहा है। लोग कह रहे हैं भी शर्मा जी आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आपका चोर नहीं है, हमारा चोर है। वो बात सही है, मगर कैप्टन साहब 4.5 साल यहाँ से एमएलए थे, अब आपको, आप क्योंकि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, आपको उनकी जो सवाल है झेलने पड़ते होंगे, इसको इससे आप कैसे डील कर रहे हैं? नहीं, हम ऐसे है, हम लोगों से जुड़े हुए, लोग हमारे से जुड़े। मैंने 5 साल मेयर के तौर पे भी सेवा की पटियाला शहर की और मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे लोगों के लिए खुले हैं और 24 घंटे मेरा टेलीफोन खुला है, किसी को भी टाइम लेने की ज़रूरत नहीं, कोई पूछने की ज़रूरत नहीं। और एक और इसमें पेच है कि जो प्रनीत कौर हैं, जो उनकी वाइफ हैं, सिटिंग MP हैं, वो इस कैंपेन से में दिखाई नहीं दे रही हैं और हालांकि वो कांग्रेस से बाहर भी नहीं है और उनको शो कॉज नोटिस हुआ है, तो वो कैंपेन में पार्टिसिपेट कर रही हैं क्या? हमने जो हमारे ऑब्जर्वर हैं यहाँ पटियाला में कांग्रेस पार्टी ने लगाए हुए हैं, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जो है महारानी साहब हमारी मदद करें, क्योंकि कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट हैं और स्टेट मिनिस्टर भी हैं, हमने उनसे रिक्वेस्ट की। आपने पर्सनली रिक्वेस्ट की? नहीं, हमने अपने ऑब्जर्वर साहब को बोला है भी आप उनसे बोलो हमारे मदद करें। दूसरी बात ये कि आपकी हल्के की बात नहीं है, मोहित मोहिंद्रा वो ब्रह्म मोहिंद्रा साहब के बेटे हैं, वो भी कैप्टन साहब के बहुत ही क्लोज थे, वो भी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और साथ में दूसरी तरफ से संजीव बिट्टू हैं, वो भी मेयर हैं आपकी तरह, उस सीट में भी उसी तरह का द्वंद्व है? नहीं, वो तो जो आप बिट्टू की बात कर रहे हो तो उसमें चले गए ना पंजाब लोग कांग्रेस, नहीं पंजाब लोग कांग्रेस में चले गए पर है वही, उनके सामने भी कैप्टन साहब करीबी हैं। नहीं, वो ठीक है बात, वो तो मोहित के मुकाबले में है, यहाँ पे हमारे का कांग्रेस पार्टी के प्लेटफार्म पे हम कैप्टन साहब से इलेक्शन। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपके साथ बहुत ज़्यादा नाजायज़ हो गया कि मतलब वो उनकी वाइफ जो है वो भी कैंपेन से मिसिंग है, वो खुद पार्टी छोड़ चुके हैं, उस लिहाज से कांग्रेस की यहाँ स्थिति क्या है? कांग्रेस की स्थिति है, ये कांग्रेस पार्टी सीट जीतेगी 110% की सीट जीतेगी, क्योंकि ये जो पटियाला शहर है ये कांग्रेस का गढ़ है, जो कैप्टन साहब भी जीतते थे वो कांग्रेस की वजह से ही जीते थे। आप भी कैप्टन साहब के करीबी थे, फिर बाद आपने अकाली दल ज्वाइन कर ली, क्या मतलब गिले रहे आपके उनके साथ? बस कोई हो जाती हैं दूरियाँ, अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है करने का, तो इसीलिए हमारे को थोड़ा उधर जाना पड़ा। नहीं, एक वक्त आप कैप्टन साहब की महफिल के पार्ट होते थे, मैं आपको मतलब मिला हूँ, पर उस टाइम आप थोड़े यंग थे, अब आप थोड़े बुजुर्ग हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आज भी हम यंग। नहीं, आप यंग हैं, पर उस टाइम आप कैप्टन साहब के बहुत करीबी होते थे। नहीं, करीबी था, सारी इनकी कमांड में ही संभालते थे। हाँ, बिल्कुल, इनके इलेक्शन इंचार्ज मैं होता था सारा संभाल, पर ये जो आपको बताया है अभी, जो सबसे बड़ी लोगों में अभी आप सुन रहे हैं, जो मंत्री थे MLA थे, वो कहते हैं हमारे को मिलते नहीं, हमारे को भी नहीं मिलते थे। आपको भी नहीं मिलते थे? नहीं मिलते। 2006 में मैंने आपको मिला था शायद, और आप कैप्टन साहब के आप 1 पॉइंट पर्सन थे, उसके बाद आप, इसलिए हम तो लोगों के काम के लिए, जो लोग कांग्रेस पार्टी के वर्कर थे उनके लिए ही हमारी जो दूरियां हुई इनसे, उसी के लिए हम कहते थे इनके काम करो ये करो, ये नहीं करते थे, उसी लिए हमारी इनसे दूरियां होगी, हम कहते थे जो पब्लिक का काम वो होना चाहिए। पिछले जो 4.5 का साल का कार्यकाल था कैप्टन साहब का, उसको आप कैसे देखते हैं? मतलब पटियाला की जनता काफ़ी निराश भी उनसे और वो एब्सेंट होते थे, मतलब मिलते नहीं थे। 4.5 साल में कैप्टन साहब पटियाला में, मेरे ख्याल 4.5 बार भी पटियाला में गया। अच्छा, इसीलिए लोग नाराज हैं। कहाँ होते थे वो? आप सबको पता है? नहीं, बता देंगे तो आपको सबको पता है, पब्लिक को भी पता है, आपको मीडिया को भी पता है, पटियाला में 4.5 साल में 4.5 दफ़ा भी बड़ी मुश्किल से आया। अब आपका फ्यूचर जो है, जो विजन है कॉन्स्टिट्यूएंसी का, आप क्या करेंगे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में? यहाँ सड़कें तंग हैं, बहुत सारी और तरह की समस्याएं हैं, इसको आप कैसे, अगर आप MLA बन जाते हैं तो आपका क्या विजन रहेगा? मेरा विजन है, जब रोड मैप क्या रहेगा? जब मेरा मेयर भी मैं रहा हूँ, तो मैंने सबसे बड़ा पटियाला शहर जब
ये शुरू में बसा तो यहाँ गंदे नाले थे जो शहर के अंदर, पुराने शहर के अंदर चलते थे, और वो नालों जब मेरी मेयर की टेन्योर थी उसमें वो नाले सारे कवर कराए, शहर को खूबसूरत बनाया, वातावरण शुद्ध किया। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी कबाड़ी मार्केट थी, उसकी ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या थी, उसको बाहर शिफ्ट कराया। ऐसे ही सीवरेज वाटर सप्लाई की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, 125 करोड़ रुपए लगा के मैंने वो जो था सारा प्रोजेक्ट किया, उसी लिए लोग आज भी हमारे को प्यार करते हैं। मेरा विजन है भी मेरे को लोग यहाँ से चुन के भेजते हैं तो पटियाला शहर की डेवलपमेंट भी की जाएगी, और जो सड़कें की बात कर रहे हैं सड़कों को भी सुंदर बनाया जाएगा, और जो हमारे नौजवान हैं बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप की जाएगी, जैसे हमारे पटियाला शहर में पटियाला शहर की फुलकारी, पटियाला शहर की देसी जूती, पटियाला शहर के परांदे, ये विदेशों में भी मशहूर है। यहाँ हर घर घर में छोटा यूनिट हो, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी माताएँ हैं, बहनें हैं, उनको रोज़गार मिले। आपके इन सैगल साहब हैं, इनकी भी ये भी टिकट के दावेदार थे, अभी आपके साथ है। ये सैगल साहब आपसे सवाल है कि आपने कैसे सोचा कि भाई, मतलब पॉलिटिक्स में अक्सर ऐसा होता नहीं है कि भाई जिसकी दावेदारी हो, आप भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे, इनको टिकट मिल गया तो आप अब इनके साथ हैं। देखो, क्लेम करना हर एक का हक है, लेकिन पार्टी सुप्रीमो है, पार्टी को जिसने टिकट दे दी। पिछले 40-42 साल से हम पार्टी में हैं, और जब ये मेयर थे 2002 में शर्मा जी, तब मैं एसएस बोर्ड का मेंबर था, हमने इकट्ठे काम किया है। जिस मार्केट की ये बात करते हैं वो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, 25 एकड़ में हमने रल के शिफ्ट की। हमारा जो मकसद है पटियाला की डेवलपमेंट का है, पटियाला के लोगों को सहूलत देने का है। तो पहले हम लोग सब कैप्टन साहब के साथ थे, महारानी साहब के साथ थे, लेकिन जब उन्होंने वर्कर से मिलना बंद कर दिया, जो लोग पटियाला के जिन लोगों ने वोटें दी हैं उनसे मिलना बंद हो गए, 450 लोग मिले नहीं, तो उस वजह से ये दूरियां बन गई, और इसी वजह से हाई कमांड ने उनको एक तरफ किया। हमारा सबका मकसद है, आज पटियाला की सीट वन साइडेड है, कांग्रेस पार्टी जीतेगी, क्योंकि सबसे बड़ा वोट बैंक पटियाला में कांग्रेस पार्टी का है, और उसी वजह से हमारा जो विज़न है वो यही है कि हम जीतें, चन्नी जी की सरकार बने, और कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, और पटियाला की सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो। और मैं एक बात आपके माध्यम चैनल के माध्यम से ये जरूर कहना चाहता हूँ कि विष्णु शर्मा जी सिर्फ MLA नहीं बनेंगे, भगवान ने चाहे तो ये वजीर बन के पटियाला की सेवा करें। विष्णु जी, प्रनीत कौर जी जो हैं MP हैं, उनको शो कॉज नोटिस भी दिया गया है, तो वो क्या कारण था? वो कैप्टन साहब की कन्विंसिंग करी थी डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी वाज इन कांग्रेस। हाँ, वो ठीक है बात आपकी, जो आप कह रहे हैं लोगों इनकी कंपेन कर रहे हैं, कैप्टन साहब की कंपेन कर रहे थे, PLC की कंपेन करी थी, और थी कांग्रेस की मेंबर, वही बात है, इसीलिए उनको नोटिस इशू हुआ, और उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। ये तो फिर हाई कमांड देखना है कि क्या उसका करना है, क्यों जवाब नहीं दे पा रही है कि वो MP मतलब, तो फिर वही बता सकते हैं। यही कारण रहा होगा कि वो शी वॉन्ट्स टू रिमेन दी MP, नहीं तो वो नेचुरली अपनी मेंबर पार्लियामेंट की सीट खोएगी। आम आदमी पार्टी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर माना जा रहा है, मतलब हर पूरे पंजाब में, मतलब यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे पंजाब में, और यहाँ भी है। जो आज देख रहे हैं हम आम आदमी पार्टी की जो बात कर रहे हैं आप, जिस दिन का हमारी कांग्रेस पार्टी ने हाईकमांड ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री सरदार चन्नी को दोबारा अनाउंस किया है दोबारा यही CM बनेंगे, तो आम आदमी पार्टी का आधार है जो बिल्कुल नीचे आ गया। आप पटियाला में मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे हमारे कोई इसका आधार नहीं, पिछली बारी भी जो लहर थी उससे आधी भी नहीं है, पिछली बारी भी इनके कैंडिडेट को 20,000 वोट भी नहीं पड़ी थी जो पटियाला में। अगर हंग असेंबली आती है, और ऐसा काफ़ी लोग मानते हैं, नहीं हंग असेंबली नहीं आएगी, कांग्रेस 2/3 मेजोरिटी लेके जाएगी, और कांग्रेस पार्टी की सरदार चरणजीत चन्नी की अगुवाई में पंजाब में सरकार दोबारा रिपीट होगी। तो ये थे विष्णु शर्मा जी, फॉर्मर मेयर, कैप्टन साहब के काफ़ी करीबी, अब उनके अगेंस्ट कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं, ये काफ़ी ये कह रहे हैं कि ये इनकी जीत को इन ये जीत के काफ़ी क्लोज है, मतलब ये जीतेंगे, इनका मानना ये है, क्योंकि हालांकि कैप्टन साहब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, काफ़ी बार यहाँ से MLA रह चुके हैं, हारे भी हैं, जब उनकी अपनी पंथिक पार्टी थी तो ही ऑल्सो लॉस्ट हिज सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो भी एक फैक्ट है। तो ये थे विष्णु शर्मा जी जो कैप्टन साहब के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। पटियाला से कैमरामैन सागर के साथ शमशेर, इंडिया हेड न्यूज़।